Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो ये प्रोजेक्ट का मतलब है, ये विषय क्यों है मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ। हम अपना कार्य कर रहे हैं, अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ग्रोथ के लिए प्रयास करते हैं, और जो भी तरीका हमारा चल रहा है उस तरीके से हम कार्य भी करते रहते हैं, जितना भी टाइम देना है खूब कर रहे हैं, लेकिन हमें ग्रोथ का कोई बहुत बढ़िया फॉर्मूला नहीं मिलता। और दूसरा तरीका है कि ग्रोथ का फॉर्मूला तो मिला, लेकिन थोड़ी तैयारी अब ज्यादा करनी पड़ती, थोड़ा ज्यादा सीखना पड़ रहा, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, तो दोनों में से कौन सा रास्ता सही? डेफिनेटली दूसरा वाला रास्ता ज्यादा सही है, जहाँ कुछ सीखने की जरूरत आ रही है, कुछ ज्यादा तैयारियां करने की जरूरत आ रही है, जहाँ कुछ ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत आ रही है, जहाँ कुछ लिखित वर्क करने की जरूरत आ रही है, जो पैटर्न पहले नहीं कभी हमने काम किया उन पैटर्न पे काम करने की जरूरत आ रही है। तो बहुत सारी नई चीजें जो है वो शामिल करेंगे तो रास्ते तो खूब मिल जाएंगे। धीरे धीरे ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा, पर काम करने के रास्ते खूब मिल जाएंगे, परंतु थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ेगा, बदलाव तो लाना पड़ेगा, और उसमें कोई नुकसान कुछ भी नहीं, बढ़िया ही है, फायदा ही है, और आगे के लिए तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा जब हमारे ग्रोथ पैटर्न हमारे पकड़ में आ जाएंगे, जब हम उसी सिस्टम में ढल जाएंगे। इसलिए ये कार्य हमने हाथ में लिया है, और सभी साथी अपने अनुसार बनाए, जरूरी नहीं है इसमें मतलब दूसरे के प्रोजेक्ट को आप कॉपी नहीं कर सकते हो, या दूसरे के लिए कोई दूसरा बनाए ये भी संभव नहीं है, करना तो खुद को पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा तो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आज मैं फिर भी आपको एक सिंपल प्रोजेक्ट बना के बता रहा हूँ। अब ये है तो थोड़ा मुश्किल काम, मैंने जैसे बोला कि किसी और के लिए प्रोजेक्ट बनाना, पर मैंने एक प्रयास किया जो आप समझ लें। सामूहिक गुणात्मक ज्वाइन द्वारा 100 ज्वाइनिंग, तो निश्चित तौर पे ये किसी रॉयल्टी टेक्निकल स्तर का हो सकता है, उससे नीचे लेवल के साथी देश की संख्या कम कर सकते हैं हम। इसमें क्या क्या तैयारी की है मैंने प्रोजेक्ट के लिए, अभियान प्रचारक 10 साथियों के नाम तय किए, उनसे मेरी टीम में जो भी साथी थे उनमें से 10 साथी अलग अलग एरिया, जितना भी जगह फैला हुआ था उसमें से पूरा एरिया कवर हो जाए, उस तरह के 10 साथी तय किए उनकी सहमति के पश्चात, ऐसा नहीं खुद ही तय कर लिए, उनसे बात करके उनके नाम मैंने नोट कर लिए, ये सिंपल काम है। दूसरा काम क्या किया, पूरी टीम के 40 सक्रिय साथी, क्योंकि वो तो अभियान प्रचारक तो हो गए पर बाकी की तो जिम्मेदारी रहती है और प्रोजेक्ट में सबको शामिल करना जरूरी होता है, तो पूरी टीम के 40 सक्रिय साथियों के साथ मीटिंग की और प्रोजेक्ट की जानकारी दी उनको कि ये हमारा प्रोजेक्ट है और सबकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहेगी, इसका वितरण किया प्रारंभिक तौर पर। जब और कुछ बताना होगा तो हम और भी बता देंगे कि भाई जब मीटिंग होगी तो आपको बुलाने की जिम्मेदारी रहेगी, आपको व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी, ऐसे। तीसरा जो काम किया, अभी मेन चीज है जो जरूरी है, 3 जगह ज्ञान केंद्र में 3 नवंबर से ट्रेनिंग प्रारंभ की, यानी आज से। पहला सब्जेक्ट उसमें रहेगा अभियान के बारे में बताने का तरीका, हर साथी की ड्रेस कोड में बोलने का पूरा अभ्यास करवाना, बढ़िया से प्रिपेयर करना, भले आता होगा लेकिन और भी ज्यादा बेहतर तरीके से, एकदम परफेक्ट। और अभ्यास तो ऐसी चीज है ना, जो आपको आता भी है तो ज्यादा अभ्यास करेंगे तो और अच्छा होगा, और एक दूसरों के साथियों को भी हेल्प मिलती है।
ये कितनी जगह किया? 3 जगह किया, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। इसमें काम आने वाले सभी टूल्स की जानकारी और टूल्स तैयार करवाना। तो ये अभियान के बारे में बताएंगे तो क्या क्या टूल्स इसमें काम आएंगे, और जानकारी देना और टूल्स तैयार करवाना, ये सब्जेक्ट ट्रेनिंग में। होम मीटिंग में आमंत्रित करने का तरीका, कैसे बुलाना है, ये सिखाया जाएगा। प्रभावशाली फॉलोअप कैसे होता है, ये सिखाया जाएगा, और अन्य आवश्यक विषय। थोड़ी टाइपिंग एरर है तो ये तो हो गया ट्रेनिंग। तो 3 नवंबर से ट्रेनिंग चालू है, फिर 4-5 दिन तो ट्रेनिंग ज्यादा रहेगी, फिर 10 नवंबर से आगे के शेड्यूल बना दिए। होम मीटिंग, ये इतनी होम मीटिंग, ठीक है। तो होम मीटिंग में भी तारीख हो गई, समय हो गया, किसकी होगी, कौन लेगा, और अन्य जिम्मेदार साथी कौन कौन रहेंगे उसमें। ऐसे वंडर वर्ल्ड पर मीटिंग, वो भी सेम वही फॉर्मेट है कि कहाँ होगी, कौन लेगा, और अन्य साथी कौन कौन जिम्मेदार रहेंगे, ये बन गए। फिर एक प्रतिदिन की रिपोर्ट का फॉर्मेट बना दिया है कि होम मीटिंग जिसके यहाँ हुई उसका नाम, भाग लेने वालों की संख्या, कुल खरीद कितनी हुई उस दिन, ज्वाइनिंग के लिए तैयार साथियों की संख्या। अब तैयार तो हो गए, कई बार उसी समय नहीं होते तो फॉलोअप की तारीख, उन्होंने कौन सी तारीख दी, और फॉलोअप के लिए प्रथम जिम्मेदार साथी का नाम, फॉलोअप कौन करेगा उसका नाम, और द्वितीय साथी का नाम, सेकेंड फॉलोअप करने वाले का कौन फॉलोअप कर रहा है उस साथी का नाम, ये एक रिपोर्ट बना दी जो रिपोर्ट मिलती रहेगी। इस तरह से प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की। जरूरी नहीं कि आप ऐसा कैसा हो, लेकिन ये आपकी संख्या बदल सकती है, आपका कुछ और बदल सकता है। ध्यान देने के बिंदु क्या है, पहले जो भी गतिविधियां चल रही है, जैसे कंसिस्टेंसी, क्लब, क्विकसी, एक्टिवेशन, यानी हमारे जो अभियान का जो भी चल रहा है सब कुछ चालू रखना, काटना खत्म नहीं करना कुछ भी, नहीं तो जो वर्तमान जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कम नहीं होने चाहिए, बल्कि जो चल रहा है इस प्रोजेक्ट के अलावा जो बाकी चल रहा है उसको भी और बढ़ाना है प्रभावशाली फॉलोअप के द्वारा, ताकि परिणाम बढ़े। दूसरा क्या है, कोर टीम व सक्रिय टीम के साथ लगातार मीटिंग चालू रखनी है, रोज थोड़ी देरी हो लेकिन कुछ न कुछ विषय पर बातचीत जारी रहे, ट्रेनिंग में क्या हुआ वगैरह वगैरह जो भी है, ग्रोथ वाले परिणाम आना आवश्यक है। सबसे मुख्य क्या है कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया और किस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपकी परीक्षा ये कि ग्रोथ वाले परिणाम आ रहे हैं कि नहीं। तो प्रोजेक्ट या बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, महत्व ग्रोथ का है, मैं तो रिजल्ट का है, तो रिजल्ट आने चाहिए, स्थाई आने चाहिए। हो सकता है आपने थोड़ा बहुत चेंज किया, आपने ये नहीं कुछ और बनाया, किसी और तरीके से किया, वो सब ठीक है, लेकिन रिजल्ट आना बहुत जरूरी है ग्रोथ वाले। और चौथा है प्रभावशाली फॉलोअप, अतिरिक्त तैयारी, अनुभव से सीखते जाना है, आवश्यकता अनुसार बदलाव लाना, इन बातों का ध्यान रखें। ये हमारे प्रोजेक्ट में या हमारी गतिविधि में शामिल रहने चाहिए कि फॉलोअप बहुत प्रभावशाली, समय पर, निरंतर, रिजल्ट आने तक, ये बहुत प्रभावशाली फॉलोअप हमारे सिस्टम में आना चाहिए। अतिरिक्त तैयारी, तैयारी को कोई भी काम कर रहे हैं जो सामान्य तरीका जो चल रहा है उसमें और सोचे कि क्या और कर सकते हैं, सोचेंगे आपस में डिस्कस करेंगे तो कुछ कुछ नई तैयारी आपको नजर आ जाएगी, और अपने अनुभव से सीखते जाना और आवश्यकता अनुसार बदलाव लाना, ये जरूर शामिल करें अपने कार्यप्रणाली में। ऐसे एक मैंने प्रयास किया है, हालांकि इसका प्रयास ड्रीम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कम ट्रू कम ट्रू